जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या कंप्यूटर टीचर हैं या कंप्यूटर से जुड़े हुए दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट छुपे हुए हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। यदि हम शॉर्टकट को जानते तो अपने कामों को बहुत ही आसानी पूर्वक से पूरा कर लेते हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के इस कीबोर्ड में एक विंडो बटन होती है जिसमें हम यही जानते थे कि स्टार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं या विंडो बटन पे क्लिक करते हैं तो आर प्रोग्राम का ये बॉक्स ओपन हो जाता है और इसके ज़रिए हम किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली आसानी पूर्वक ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस विंडो बटन के साथ छुपे हुए हैं बहुत सारे अद्भुत तरीके के शॉर्टकट की, तो आइए चर्चा करते हैं इस अद्भुत तरीके के शॉर्टकट की को इस वीडियो के माध्यम से। बटन के साथ यदि हम क्यू बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें एमएस वर्ड को ही ओपन करना है तो हम साधारण रूप से यहाँ वर्ड टाइप करेंगे और वर्ड को ओपन कर लेंगे। दूसरा की है विंडो के साथ यदि हम डब्ल्यू बटन प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेदर्स आ चुका है एंड एड विद गेट्स आया हुआ है। एड विद गेट्स के जरिए हम बहुत सारे विद गेट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटलुक कैलेंडर है, टिप्स है, इंटरटेनमेंट है इत्यादि। विंडो के साथ जैसे हम ई बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे माई कंप्यूटर मीन्स फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है और इस फाइल एक्सप्लोरर के जरिए हम किसी भी फाइल को किसी ड्राइव के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम माई कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं, जिस पीसी को हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ किसी भी ड्राइव को भी ओपन करके हम अपने फाइल तक पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों विंडो ई के अलावा यदि आप विंडो के साथ वन बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी हम फाइल एक्सप्लोरर पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों विंडो के साथ आर। दोस्तों विंडो के साथ जैसे ही आर प्रेस करते हैं तो ये रन बॉक्स ओपन हो जाता है और इस रन बॉक्स के अंदर यदि हम कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं, जैसे अगर वर्ड हम टाइप करते हैं तो डायरेक्टली एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन होता है। यदि रन बॉक्स के अंदर हम एक्सेल टाइप करते हैं तो डायरेक्टली एक्सेल को हम ओपन कर सकते हैं। यदि हम विंडो के साथ विंडो आर प्रेस करते हैं और यदि हमें पावर पॉइंट ओपन करना है पावर पीएनटी टाइप करके जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों रन बॉक्स के जरिए हम किसी भी प्रोग्राम को उसके कुछ निर्धारित शॉर्टकट के अनुसार डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट की है फ्रेंड्स विंडो के साथ यू। दोस्तों विंडो के साथ यू जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की सेटिंग ओपन हो जाती है। कंप्यूटर की जो सेटिंग ओपन होती है इसमें एक्सेसिबिलिटी और सिस्टम, ब्लूटूथ डिवाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स एंड बहुत सारे ऑप्शन एक साथ ओपन हो जाते हैं। मीन्स कंप्यूटर की सेटिंग को डायरेक्टली ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ यू बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है विंडो के साथ आई। विंडो के साथ जैसे ही आई प्रेस करते हैं तो ये भी विंडो की सेटिंग ही ओपन होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये सिस्टम के बारे में है, माइक्रोसॉफ्ट 365, ओपन ड्राइव एंड विंडो अपडेट अगर करना है हमको तो यहाँ से विंडो अपडेट भी डायरेक्टली। नेक्स्ट बटन है विंडो के साथ पी। दोस्तों विंडो के साथ पी जैसे हम प्रेस करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यदि कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ किसी नए एलसीडी को या नए मॉनिटर को जोड़ना है आपको तो प्रोजेक्टर का यूज करना पड़ता है और इसके लिए हम ओपन प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ओपन प्रोजेक्ट का एक बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें पीसी स्क्रीन ओनली, यदि हम पीसी स्क्रीन ओनली करते हैं तो जो हमारा पीसी ऑन है केवल वही दिखेगी, उसकी स्क्रीन ही दिखेगी। अगर डुप्लीकेट या एक्सटेंड हम करते हैं तो दोनों मॉनिटर मीन्स इस लैपटॉप का मॉनिटर एंड नया मॉनिटर हमने जोड़ा है वो भी एक साथ दिखेगा। एंड लास्ट ऑप्शन है सेकेंड स्क्रीन ओनली, यदि हम करते हैं तो केवल
मॉनिटर दिखाई देगा, हमारा जो नया मॉनिटर हम इससे अटैच किए हुए हैं हमारा लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए डायरेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ पी बटन प्रेस तो करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बटन है विंडो के साथ टैब। दोस्तों विंडो के साथ जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स कुछ फाइल्स ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे हम विंडो के साथ टैब बटन प्रेस करते हैं तो सारे प्रोग्राम एक साथ दिखाई देते हैं, मीन्स शॉर्टिंग होती है सारे प्रोग्रामों की, और किसी एक पे ओपन करने के लिए हम डायरेक्टली किसी एक को ओपन कर सकते हैं, मीन्स सारे प्रोग्राम को एक साथ हम देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पे किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं विंडो के साथ टैब बटन प्रेस करके। ये बहुत ही मजेदार शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के जरिए ज्यादातर मैं काम करता हूँ। ये काम आप विंडो के अलावा अल्ट बटन के साथ टैब बटन प्रेस करके भी हम किसी प्रोग्राम पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हम एक्सेल पर जाना चाहते हैं, एक्सेल पर हम प्रेस कर लिए। यदि हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है तो वर्ड पे जाकर के विंडो को हम प्रेस छोड़ देते हैं, या तो वर्ड पे हम पहुंच जाते हैं, या फिर किसी अन्य प्रोग्राम पर जाने के लिए भी हम उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं विंडो के साथ टैब बटन को प्रेस करके या अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करके। नेक्स्ट बटन है विंडो के फ्रेंड्स साथ ए। दोस्तों विंडो के साथ ए बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो इसके द्वारा भी क्विक सेटिंग ओपन हो जाता है। जैसे विंडो के साथ ए हमने प्रेस कर दिया, यहाँ आप देखेंगे कि कंप्यूटर की कुछ क्विक सेटिंग है जिसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड एंड बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह हम कम अधिक कर सकते हैं या फिर वैल्यूम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं विंडो के साथ ए बटन प्रेस करके। नेक्स्ट है विंडो के साथ एस बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो सॉरी सर्च बॉक्स ओपन होता है। सर्च बॉक्स मैंने बताया था आपको कि विंडो के साथ क्यू बटन के साथ भी कर सकते थे, यहाँ पे हम फिर विंडो के साथ एस अगर हम प्रेस करते हैं तो सर्च बॉक्स ओपन नेक्स्ट होता है है। फ्रेंड्स विंडो के साथ डी, जैसे ही हम विंडो के साथ डी बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रोग्राम ओपन हुए रहेंगे, जैसे हमारे पास कई सारे प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद हम जैसे ही विंडो के साथ डी बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली सारे प्रोग्राम एक साथ मिनिमाइज हो जाते हैं। एक शॉर्टकट इसके साथ और जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, यदि आप एक साथ सभी को बंद करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं, सभी प्रोग्रामों को क्लोज करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप विंडो के साथ एम बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। विंडो के साथ एम तथा विंडो के साथ डी बटन प्रेस करके हम किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज, मीन्स ऑल प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो के साथ एफ बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे फीडबैक आता है, फीडबैक हब आ जाता है, और फीडबैक हब में क्योंकि तो ये ऑनलाइन यदि हम हैं तभी काम करेगा, मैं हम माइक्रोसॉफ्ट को विंडो 11 से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना होगा हम दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जितने शॉर्टकट हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शॉर्टकट विंडोज 7 पे ज़्यादातर शॉर्टकट नहीं काम करेंगे। नए विंडो में जैसे विंडो 10 एंड 11 में ये सारे शॉर्टकट आराम से काम कर सकते हैं। ये विंडोज 7 XP या विंडो 8 के ऊपर ज़्यादातर शॉर्टकट वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों विंडो के साथ जी बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि विंडो जी के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस का एक बॉक्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिस्टम का परफॉर्मेंस ये 35% CPU दिख रहा है आपको, यहाँ पे GPU 0%, वार्म्स 0%, RAM 76% वर्किंग में है, मीन्स कंप्यूटर का ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, CPU का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा हेडफोन दिख रहा है, वॉइस दिख रहा है, कैमरा, इन सब चीज़ों को हम एक साथ ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं विंडो के साथ जी बटन प्रेस करके। अगर यदि दोबारा विंडो के साथ जी हम प्रेस करते हैं तो सारे बॉक्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही मज़ेदार ये ऑप्शन है, विंडो 11 के साथ ये मिलता है 10 या 11 के। इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी है, दूसरी चीज़
हम कोई टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेते हैं और विंडो के साथ जैसे एच बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम टाइप करते हैं स्पीकर पे माइक पे और उसके बाद जो कुछ भी हम यहाँ बोलेंगे तो डायरेक्टली वो कंप्यूटर के अंदर टाइप होने लगता है। तो ये है विंडो एच के जरिए हम डायरेक्टली वॉइस टाइपिंग को ओपन कर सकते हैं एंड इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है फ्रेंड्स विंडो के साथ एल। विंडो के साथ एल बटन प्रेस करने से हम अपना हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली लॉक हो जाता है। जैसे ही हम विंडो के साथ एल बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर लॉक हो जाता है और दोबारा इंटर की प्रेस करके हम अपना वो टाइप कर लेते हैं और सिस्टम फिर से दोबारा ऑन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो के साथ यदि हम सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मीन्स आप ये बटन देख सकते हैं। विंडो के साथ अगर हम सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्माइली का एक बॉक्स ओपन हो चुका है। यदि किसी स्माइली को हमें इंसर्ट करना है तो हम उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे इमोजी या स्माइली को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट और होता है और वो होता है विंडो के साथ लेस देन। यदि हम विंडो के साथ लेस देन प्रेस करते हैं तो भी ये स्माइली या इमोजी का बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसे हम साधारण तरीके से उसे अपने कंप्यूटर के या किसी प्रोग्राम में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है विंडो के साथ जेड बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने बहुत सारे फाइल ओपन कर लिया है और इन सभी फाइलों को ओपन करने के पश्चात यदि हम विंडो के साथ जेड बटन प्रेस करते हैं तो ये एक अरेंजमेंट का एक बॉक्स ओपन हुआ है और विंडो को ये अरेंज करता है। यदि हम इसको प्रेस करते हैं तो दो विंडो में हमारा ये डेस्कटॉप बढ़ जाता है और दो प्रोग्रामों को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और एक साथ इन पर काम कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये शॉर्टकट है दोस्तों। नेक्स्ट है विंडो के साथ एक्स। दोस्तों विंडो के साथ एक्स ये एक ऐसा अद्भुत शॉर्टकट है, ये कंप्यूटर का जान है। इस शॉर्टकट के जरिए हम देखते हैं विंडो के साथ जैसे हम एक्स प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो चुका है और इसमें एप्स एंड फीचर, मोबिलिटी सेंटर एंड पावर ऑप्शन, इवेंट व्यूअर, सिस्टम डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डेस्क मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, विंडो टर्म मीन्स बहुत सारे ऑप्शन, टास्क मैनेजर, सेटिंग, विंडो एक्सप्लोरर, सर्च, रन बॉक्स मीन्स सारे के सारे लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ हमारे सामने आ जाती हैं विंडो के साथ एक्स बटन के जरिए। जैसे विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करते हैं ये सारे बॉक्स ओपन हो जाते हैं। जिस किसी को ओपन करना है जैसे डिवाइस मैनेजर हमको ओपन करना है तो डिवाइस मैनेजर पर हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाता है। दोस्तों ये सच में कंप्यूटर का जान है और इसमें हम लगभग बहुत बड़े बड़े सेटिंग को करते हैं। देखते हैं यदि मेरे पास आपकी राय होगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो इन सब ऑप्शनों के बारे में भी एक नया वीडियो हम तैयार कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। विंडो के साथ अगर हम वी बटन प्रेस करते हैं वी, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है। जैसे यदि हमने यहाँ पे कोई पिक्चर या कोई जैसे हमने इसको कट कॉपी किया, यदि हमने कट कर दिया, यदि मैं कुछ कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मैंने टाइप किया हरी इज ए गुड बॉय, अब यहाँ आप देखेंगे कि इसको यदि हमने कॉपी कर लिया है या कट कुछ भी करेंगे तो क्लिपबोर्ड में ये ऑटोमेटिक आता है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम चेंजिंग करते हैं जैसे हमने कट कॉपी किया विंडो के साथ जैसे हम वी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लिपार्ट ऑटोमेटिक आ चुका है, सॉरी क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड में जो कुछ भी हमने कट या कॉपी किया है वो डायरेक्ट हमारे पेज पे आ जाएगा। जैसे हमने इसको ओपन कर लिया और क्लिपबोर्ड को ओपन करके हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं वो हमारे पेज पे ऑटोमेटिक इंसर्ट होने लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ और ये है
विंडो के साथ बी बटन को हम प्रेस करते हैं। दोस्तों कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि हमको ज़्यादातर काम को कीबोर्ड पे करने में मज़ा आता है, और यदि हम चाहते हैं कि कुछ टास्क बाद में ऑप्शन हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये एक बटन है, ये एक ड्रॉप अप बटन है जिसके ज़रिए हम ब्लूटूथ को और सिस्टम के परफॉर्मेंस एंड बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, इस बटन तक पहुंचने के लिए हम डायरेक्टली विदाउट माउस के जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए एक बटन है विंडो के साथ, हम बी बटन प्रेस करते हैं तो ड्रॉप डाउन हिडन जो है आइकन दिखने लगेगा, और उसके बाद इंटर की प्रेस कर देते हैं डायरेक्टली इस पर। नेक्स्ट बटन है दोस्तों विंडो के साथ एन, विंडो के साथ एन बटन प्रेस करने पे हमारे सामने नोटिफिकेशन का एक विंडो ओपन हो चुका है, जिसमें आप स्निपिंग टूल को देख पा रहे होंगे और क्लिपबोर्ड भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैलेंडर भी हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो नोटिफिकेशन एंड कैलेंडर को ओपन करने के लिए विंडो के साथ एन बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप विंडो बटन के साथ ऊपर के जो नंबर बटन है उसमें से वन बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर डायरेक्ट ओपन हो जाता है, और इसमें हम किसी भी अपने फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया है कि विंडो के साथ यदि ई बटन प्रेस करते हैं तो भी फाइल एक्सप्लोरर तक हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। विंडो के साथ ई बटन के द्वारा भी हम पहुँच सकते हैं, एंड विंडो के साथ वन बटन को प्रेस करने के बाद भी हम डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट बटन है दोस्तों विंडो के साथ टू, विंडो के साथ नंबर बटन का टू बटन प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर हम बहुत सारे कामों को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कनेक्शन कंप्यूटर में नहीं है, अतः ये स्टोर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो के साथ अगर हम थ्री बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन कीबोर्ड जो है ओपन हो जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को डायरेक्टली ओपन करने के लिए विंडो के साथ हम नंबर बटन का थ्री बटन प्रेस करते हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है, और डायरेक्टली ओपन कर इनडायरेक्टली ओपन करने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करके ओ एस के टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए ओ एस के हम रन में भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं, और विंडो के साथ थ्री बटन प्रेस करके भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है दोस्तों विंडो के साथ फोर बटन जब हम प्रेस करते हैं तो यदि आपके कंप्यूटर में फ्री कैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो फ्री कैम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पे फ्री कैम सॉफ्टवेयर से ही मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और इसलिए ये ओपन नहीं है, ये फ्री कैम इज ऑलरेडी रनिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो के साथ अगर हम फाइव बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे एक सामने कमाल का टूल आता है, और इसे हम बोलते हैं एपिक पेन। एपिक पेन दोस्तों किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए या उसे इंडिकेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, और फिर इसका उपयोग हम पेन की तरह कंप्यूटर पे स्क्रेच करने के लिए या किसी इंडिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है विंडो के साथ यदि हम सिक्स बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बोर्ड ओपन हो जाता है, वाइट बोर्ड, यहाँ पे एक वाइट बोर्ड हो जाता है, और इस राइट बोर्ड के जरिए हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें सॉरी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ एक पेन है और यहाँ पे यदि हमको टाइप करना है या लिखना है यहाँ से इरेजर से हम इसको मिटा भी सकते हैं, पेंसिल ले लेते हैं, और यदि हम यहाँ टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं राजू आईटी रिसर्च, तो आराम से इसको लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इरेज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, तथा इस पर भी हम मतलब पढ़ा सकते हैं। नॉर्मली यदि हमें पढ़ाना है बच्चों को तो इस बोर्ड पे हम डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत फ्रीली चलता है, और बहुत सारे इसमें रिकॉर्डिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि लोग
प्रोजेक्टर में किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, स्लाइड के रूप में शो कराना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पॉडकास्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो के साथ यदि हम 7 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम विंडो के साथ 7 बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइव स्टूडियो का एक बॉक्स ओपन हो जाता है और ये प्रिज्म लाइव स्टूडियो एक प्रकार का एक ऐसा स्टूडियो है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है विंडो के साथ 8 बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ये सारे सॉफ्टवेयर जो ओपन हो रहे हैं, यदि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे तभी ये ओपन होंगे, वरना ये ओपन नहीं होंगे। विंडो 11 या विंडो 10 के साथ एक योर फोन नाम का एक ऐप है जिसको विंडो के साथ 8 बटन प्रेस करके हम ओपन कर सकते हैं और योर फोन में आपके, मैंने इसका वीडियो पहले ही भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एक वीडियो है मैं आपको भेज देता हूँ, उसको आप देखेंगे तो मेरा मोबाइल डायरेक्टली इस पर कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल में जो भी फोटो डायरेक्टली ओपन किए गए होते हैं या क्लिक किए गए होते हैं डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये ऑनलाइन होता है बट यहाँ पे अभी हम ऑनलाइन नहीं हैं, तो ब्लूटूथ के जरिए हम यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल के फ़ोटो, मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली इसी योर फोन सॉफ्टवेयर के जरिए। योर फोन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए विंडो के साथ 8 बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो के साथ 9 बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो ओपन एनी मिनिमाइज प्रोग्राम एंड स्विच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मिनिमाइज किया है बहुत सारे प्रोग्रामों को और इसको विंडो के साथ 9 बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम एक साथ ओपन हो जाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे इन्हें हम स्विच भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है विंडो के साथ प्लस तथा ये सबसे लास्ट है। विंडो के साथ प्लस बटन जैसे हम प्रेस करते हैं दोस्तों तो मैग्नीफायर ओपन हो जाता है। मैग्नीफायर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी एरिया को बड़ा करके देख सकते हैं, 200% या उससे भी अधिक बढ़ाना है तो हम यहाँ से बड़ा करके देख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करके इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट की हम ये चाहेंगे कि इसमें से ऐसे कौन कौन से शॉर्टकट की थे जो आप पहले से भी जानते थे या ऐसे कौन कौन शॉर्टकट थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे या फिर मज़ेदार थे, तो ये इसके लिए हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप देखते रहिए राजू आईटी रिसर्च, इससे रिलेटेड बहुत सारे आईटी से रिलेटेड आपको हम शॉर्टकट या फिर इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।